हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन के मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स एजिंग के बारे में और उसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है। इसके पहले एक वीडियो में हमने बात की थी रिवर्स एजिंग के बारे में, जो मॉडर्न मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए थे कि अच्छी सेहत कैसे मेंटेन किया जाए। अब इस वीडियो में उसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण बताया जाएगा, वो भी इसी तरह से सिंपल टर्म्स में और थोड़े में बताया जाएगा शॉर्ट में, और यहाँ पर भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट ही रखा गया है ताकि ये आसानी से समझ में आए। तो अब इसमें पहला पॉइंट क्या है कि एजिंग क्या है। तो आयुर्वेदा में एजिंग को जरा बोलते हैं, और बूढ़ा होना जिसको बोलते हैं ये बताया जाता है इसमें। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे समय जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे डिटोरेशन होने लगता है, डीके होने लगता है। अभी आयुर्वेद में ह्यूमन लाइफ के अलग अलग स्टेजेस बताए हैं, जैसे बचपना 16 साल तक, यूथ जवानी और मिडिल एज जो है 16 से 60 साल तक, और ओल्ड एज जो 60 से 70 साल के बाद। अब इसके अंदर धीरे धीरे जो है बॉडी के एलिमेंट्स, सेंस ऑर्गन्स, ताकत वगैरह सब धीरे धीरे कम होने लगती है। अब अगले दो पॉइंट्स को एक साथ लिया जा रहा है। एक तो ये कि ये उम्र जो बढ़ रही है इसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, और उम्र क्यों बढ़ती है, इसमें क्या कारण क्या है। अब ये यहाँ पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बताया जा रहा है। तो आयुर्वेद जो है ये कई अलग अलग फैक्टर्स को गिनता है जब इसमें एजिंग कंसिडर करता है। इसके अंदर मेनली प्राण जो है ये लाइफ एनर्जी है, जिसके वजह से सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, सर्कुलेशन ये होता है। अब ये प्राण से दो और चीज़ें, ओज और तेज, इसको कंट्रोल होता है। और ओज क्या होता है, तो ये सात धातु जो बॉडी के होते हैं, बॉडी टिश्यूज, इसका एसेंस होता है, और इससे लॉन्जिविटी जो है यानी लंबी उम्र ये रहना ज़रूरी है, और ये जो है इम्यूनिटी और इंटेलिजेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तेज जो है ये एनर्जी का एसेंस है, और इससे पूरे बॉडी की जो एंजाइम सिस्टम और मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। अभी आयुर्वेद में बॉडी को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, जैसे त्रिदोष जो ये फंक्शनल एलिमेंट है, और इसमें वात है जिससे हर तरह की मोशन गिनी जाती है, पित्त जिसमें हर तरह का मेटाबॉलिज्म गिना समझा जाता है, और कफ जो है जो बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है उसको कफ मानते हैं। और इसी बॉडी को स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है सात धातु और तीन मल उनको माना जाता है। अभी अगर लंबी उम्र मेंटेन करना है और सेलुलर लेवल पे हेल्थ मेंटेन करना है, तो ये प्राण, ओज और तेज ये बैलेंस पे रहना चाहिए। अभी जो कफ जो है ये सेलुलर लेवल पे लॉन्जिविटी मेंटेन करता है, पित्त जो है ये डाइजेशन और न्यूट्रिशन को कंट्रोल करता है, और वात जो है ये प्राणिक लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करता है और पूरे लाइफ फंक्शंस को गवर्न करता है। तो अगर ओज डिस्टर्ब हो गया तो इससे कफ या वात के बीमारी होती है, और तेज अगर खराब हो गया और अग्नि खराब हो गई तो इससे ओज कम हो सकता है, इम्यूनिटी कम हो सकती है, और प्राणिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये ज़्यादा बढ़ने से होता क्या है, तो बॉडी में डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, धातु कम होने लगते हैं, और अगर तेज कम हो गया तो इसमें धातु जो है अशुद्ध धातु ज़्यादा बनता है, और उसकी वजह से फिर प्राणिक एनर्जी ब्लॉक होती है। तो ये आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है, थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, लेकिन इसको जैसा है वैसे शॉर्ट में बताया गया है। अभी हेल्दी स्किन जो होता है ये इससे एक उम्र कम इंसान की दिखाई देती है। तो ये बैलेंस्ड अगर त्रिदोष रहेंगे तो ये होता है स्किन में। तो ये कैसे होता है, तो बैलेंस्ड कफ रहता है तो मॉइस्चराइजेशन दिखता है स्किन में, अगर बैलेंस्ड पित्त है तो केमिकल और हार्मोनल स्किन चेंजेस बराबर होते हैं, और अगर बैलेंस्ड वात है तो इसके अंदर स्किन में एफिशिएंट सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन सही ढंग से होता है। अभी इसी तरह से स्किन हेल्थ अगर अच्छी है तो बॉडी के जो फर्स्ट थ्री टिश्यूज है, जो न्यूट्रिशनल फ्लूइड यानी रस, ब्लड सेल्स यानी रक्त, और माउस यानी मसल टिश्यू यानी माउस, तो ये तीन ये स्किन के अंदर ही दिखाई देते हैं। अभी आयुर्वेद में ये सब जो है कम धातु और मल वगैरह जो है, या त्रिदोष है, ये कम होना, ज़्यादा होना, डिस्टर्ब होना, इसके सबके लक्षण वगैरह बताए गए हैं, और उसका अलग अलग ट्रीटमेंट भी बताया गया है। अभी चौथा पॉइंट है कि एजिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। अभी एलोपैथी में बताया जाता है, ऑलरेडी सबको पता है, और मैं ऑलरेडी पहले के वीडियो में बताया हूँ कि क्रोनोलॉजिकल एज जो टाइम से रिलेटेड होती है इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल एज है ये सेलुलर हेल्थ से रिलेटेड है, और इसको कुछ हद तक के रिवर्स कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी आयुर्वेद में इसको कंट्रोल करने की कुछ प्रक्रिया बताई गई है, और जिससे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, या पॉसिबली रिवर्स कर सकते हैं। अब ये क्या क्या है, तो इसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स बताया है कि जो पंचकर्मा करके जाने जाते हैं,
और इसके अलावा एक रसायन करके एक ट्रीटमेंट है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में रिवर्स एजिंग कर सकते हैं। तो पंचकर्म में क्या क्या होता है, तो पूर्व कर्म होता है और ये पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन बताए गए हैं। मेन प्रोसेस जो प्रधान कर्म है उसके अंदर वमन यानी उल्टी कराना, विरेचन यानी परगेशन कराना, नस यानी नेसल ड्रॉप देना, बस्ती यानी मेडिकेट एडिनेमा देना और रक्त मोक्षण यानी ब्लड निकालना। तो ये जो है मेन पंचकर्म माने जाते हैं। और ये प्रोसीजर करने के बाद में जो पश्चात कर्म है उसके अंदर धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे लाते हैं। पहले एकदम पतले सूप देते हैं, फिर थोड़ा खीर बना के देते हैं और ज़्यादा घनी खीर बना के देते हैं, और उसके बाद नॉर्मल डाइट जो देते हैं जिस तरह से डाइजेस्टिव पावर अग्नि जो है धीरे धीरे बढ़े। अब ये पूरा पंचकर्म करने के बाद, डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद और अग्नि नॉर्मल डाइजेशन पावर नॉर्मल हुआ, उसके आगे या तो ट्रीटमेंट करते हैं अगर बीमारी हो, या फिर रिवर्स एजिंग है, रिजुविनेशन कराना है तो रसायन ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये रसायन ट्रीटमेंट में फिर से दो भाग हैं, एक तो एक कूटी प्रावेशिक जिसको इन पेशेंट थेरेपी बोलते हैं, और एक वातातक एक ट्रीटमेंट जिसको आउट पेशेंट थेरेपी बोलते हैं। अब ऑफकोर्स ये कूटी प्रावेशिक जो है ये ज़्यादा लंबा चौड़ा जाता है, महंगा होता है, लेकिन इसमें इफेक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। कूटी प्रावेशिक जो है ये सिंपल है, चीप है, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर जो फायदे होते हैं थोड़ा सा कम होते हैं। अब ये रसायन ट्रीटमेंट से होता एक्चुअली क्या है, तो रसायन ट्रीटमेंट से जो ब्लॉक बॉडी चैनल्स हैं और डिफेक्टिव है उनको खोला जाता है, डैमेज या डीजेनरेट टिश्यूज को फिर से रिज्यूवनेट किया जाता है, वाइटैलिटी और एनर्जी जो बॉडी की है उसको इम्प्रूव किया जाता है, मेमोरी और इंटेलेक्ट जो है बॉडी की उसको इम्प्रूव किया जाता है, स्पेसिफिक या जनरल इम्यूनिटी इम्प्रूव करते हैं, नर्व सिस्टम को काम किया जाता है, स्किन हेल्थ इम्प्रूव की जाती है, सेंसरी ऑर्गन्स को उसका जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव किया जाता है, और इसमें रिवर्स एजिंग किस तरह से लाई जाती है, तो ओवरऑल मेंटल इमोशनल फिजिकल हेल्थ को बढ़ाया जाता है और सेक्सुअल हेल्थ भी बढ़ाई जाती है। अभी एक्चुअली आयुर्वेद में एक टोटली सेपरेट ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसको वाजीकरण बोलते हैं, और इसमें सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना और मेंटेन करना है वाजीकरण ट्रीटमेंट जो ब्रांच है उसके अंदर। अभी पांचवा पॉइंट है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से और हर्ब जो है इससे रिवर्स एजिंग किस तरह से हो सकती है। तो अभी मॉडर्न मेडिसिन में ये बताया जाता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, टेलोमियर शॉर्टनिंग, इन्फ्लेमेशन और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन जो है ये मेन फैक्टर्स है एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने में। तो अभी इसके अंदर ये हर्ब्स जो है किस तरह से रसायन करके काम करते हैं और रिवर्स एजिंग करते हैं, हम थोड़ा सा इन शॉर्ट में देखते हैं। तो पहला हर्ब है ओसिमम सैंक्टम जिसको तुलसी बोलते हैं, इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है और टेलोमियर लेंथ जो है इम्प्रूव होता है ओरली लेने पर, और ये स्किन एजिंग में भी इससे फायदा होता है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड में हर्ब है गुडुची जिसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं और ये लिवर और स्किन पर भी काम करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। थर्ड हर्ब है अश्वगंधा जिसको एडाप्टोजेनिक हर्ब करके माना जाता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, स्किन और मसल्स हेल्दी होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और स्टेम सेल प्रोलीफरेशन इससे इम्प्रूव होता है, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी है। चौथा है आंवला जिसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज अच्छे हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है, रिवर्स एजिंग इसमें होती है बाय जिससे टेलोमेर लेंथ बढ़ा के इसकी रिवर्स एजिंग में हेल्प होती है, और ये जो है हर्ब ये स्किन और हेल्थ प्रोडक्ट्स में काफ़ी इस्तेमाल होता है। पांचवा है हल्दी जो एक बहुत वेल नोन एंटीऑक्सीडेंट स्पाइस और हर्ब है, और इसके बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज अच्छे हैं और ये स्किन, नर्वस सिस्टम और ब्रेन पर काम करता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और दर्द कम होता है, क्रॉनिक पेन कम होता है, और इस तरह से रिवर्स एजिंग में भी हेल्प करता है। छठा जो है शिलाजीत जो एक बहुत वेल नोन हर्ब है और मिनरल है ये, और ये इसके बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं अच्छे और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, और मेनली ये जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पे काम करता है। सातवां है गार्लिक जो एक बहुत वेल नोन स्पाइस है, इसके अच्छे से डॉक्यूमेंटेड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये कैंसर को प्रिवेंट करने में और डिमेंशिया को प्रिवेंट या ट्रीट करने में हेल्प करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज प्रिवेंट कर सकता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। आठवां हर्ब है ब्राह्मी जिसके बहुत एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है और इससे जो है मेमोरी बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है। नौवां हर्ब है शंखपुष्पी जो डिप्रेशन और न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर में काम करता है। दसवां हर्ब है यष्टिमधु जिसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं और ये बॉडी के कई सिस्टम्स को और ऑर्गन्स को ताकत देता है, बल देता है। लास्टली हर्बल कॉम्बिनेशंस हैं बहुत सारे, जैसे आमली के रसायन, मेध्य रसायन, ब्राह्म रसायन और च्यवनप्राश, ये सभी में
रिवर्स एजिंग के प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये टेलोमेयर जो लेंथ है उसको बढ़ाते हैं, डीएनए डैमेज कम करते हैं, ब्रेन और नर्व डैमेज कम करते हैं, और इस तरह से ये सब रसायन करके काम करते हैं। अभी लास्ट पॉइंट है कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर स्वास्थ्य बढ़ाना है और बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करना है तो क्या करना चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं बताता हूँ। फर्स्ट वाला पॉइंट है कि एक डेली रूटीन बनाओ, जिसको दिनचर्या बोलते हैं। सुबह जल्दी उठो ब्रह्म मुहूर्त में, और पानी ज़्यादा पियो, और ताकि रोज़ एक क्लियर बाउल मूवमेंट हो, और सात्विक खाना खाओ, और जैसे जैसे सीजन्स, जैसे ऋतुचर्या इसको बोलते हैं, सीजन जैसे चेंज होते हैं वैसे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। उसी तरह से इंसान की प्रकृति देखकर भी चेंजेस करना पड़ता है, और एज और टाइम देखकर भी इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि नींद अच्छी लाना, नींद अच्छी मिलना ये जो है ये हेल्थ का एक अच्छा इंपॉर्टेंट पिलर या स्तंभ माना जाता है। थर्ड पॉइंट है कि एक्सरसाइज सही ढंग से करो और स्ट्रेस भी कम करो, और इसमें क्या क्या कर सकते हैं तो योगासन और प्राणायाम और मेडिटेशन, इनको यूज़ करके ये रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और उसमें अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि डेली मसाज करो बॉडी और स्काल्प का, इसको अभ्यंग बोलते हैं। इससे स्किन हेल्दी होती है, मसल स्टोन होते हैं, बाल की ग्रोथ अच्छी होती है, और नींद अच्छी आती है। पांचवा पॉइंट है कि सही ढंग से पंचकर्म का इस्तेमाल करें, ताकि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, और इसे डिजीज प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। और इसके बाद रसायन का ट्रीटमेंट जो है, मेडिकेशंस का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, ताकि हेल्थ इंप्रूव हो, डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके, और बायोलॉजिकल एज को रिवर्स किया जा सके जितना हो सके उतना, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। ऑफकोर्स ये सब करने के लिए एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की हेल्प लो, खुद से न करें। छठा पॉइंट है खास करके लेडीज़ के लिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ एडिशनल केयर लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं गर्भिणीचर्या, और हेल्दी ऑफस्प्रिंग होने के लिए ज़रूरी है। इसके अंदर क्या क्या है तो डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिकेशंस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। लास्ट पॉइंट है कि सदवृत्त, अच्छा बिहेवियर करो और अच्छा मॉरल कंडक्ट सत्वा वजह करो, ताकि फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ जो है सही ढंग से बैलेंस हो। तो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ रिवर्स एजिंग का आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव और या आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।